हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एस के हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स क्लास ट्वेल्व सिक्सटीन अगस्त का कार्य है इंग्लिश का लेसन लेसन फोर द रेड ट्रैप तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो गरीब है और चूहे दानियाँ बना करके बेचता है चूहे दानी बेचने से आ, उसकी जो है जीवन नहीं चल रहा होता तो वो कभी कभी चोरी भी कर लेता है और बीख भी मांग लेता है और किस तरीके से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है क्योंकि लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो एक चोर है और फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि लोग अच्छे हैं और वो भी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है यही इस कहानी का सार है तो टॉपिक इसका आज का है काइंडनेस ऑफ द स्ट्रेंजर अनजान व्यक्ति का उसके साथ अच्छा व्यवहार हाउ डिड द मैन मेक रेड ट्रैप्स वह चूहे चूहेदानिया कैसे बनाता था द मैन मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर वायर की यानी कि तार की वह चूहे चूहेदानियाँ बनाता था हाउ डिड द रेड ट्रैप पेडलर लिव हिज लाइफ पेडलर का अर्थ होता है फेरी वाला जो कि घूम घूम करके अपने सामान को बेचता है द रेड ट्रैप पेडलर सोल्ड रेड ट्रैप्स ऑफ वायर टू अर्न हिज लिवलीहुड लिवलीहुड का अर्थ होता है आजीविका ही ऑल्सो बेग्ड एंड स्टोल बेग्ड का अर्थ होता है बीख मांगना और स्टोल का अर्थ होता है चोरी करना तो जो फेरी वाला है वह अपने पिंजरे दानिया बेच करके चूहे दानी बेच के कार्य चलाता था अपना और कभी कभी बीख मांगता था और चोरी भी कर लेता था वॉट वॉज द आइडिया बाय विच ही वॉज स्ट्रक सडनली ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बींग अ रेड ट्रैप एंड पीपल टू बी कॉट इन इट Worldly attractions were bait for them as cheese and pork in a rat trap. तो उसको यह आइडिया कहाँ से आया कि जो आ, संसार है वो भी एक चूहेदानी है। देखिए यह जो व्यक्ति था यह बहुत परेशान हो गया था तो उसको लगता है कि यह संसार ही उसके दुख का कारण है गरीबी का कारण है उसको लगता कि इन लोगों को भी चूहेदानी में बंद कर दिया जाए तो वह इमेजिनेशन करता था कल्पना करता था कि यह संसार एक चूहेदानी है और लोग जो है इसमें फंसे हुए हैं और जिस तरीके से पिंजरे में चूया को फंसाने के लिए हम कुछ लगा देते हैं रोटी या चीज़ वग़ैरह का टुकड़ा उसी तरीके से ये जो सांसारिक मोह माया है वो बंधन उसके समस्या है ही गॉट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बींग अ रेड ट्रैप एंड पीपल टू बी कॉट इन इट वर्ल्डली एट्रैक्शन बेट फॉर दैम एज चीज एंड पोर्क इन अ रेड ट्रैप अगला प्रश्न देखते हैं हाउ डिड द ओल्ड मैन रिसीव द रेड ट्रैप सेलर इन टू हिज कॉटेज कॉटेज होता है झोपड़ी उसने अपनी झोपड़ी में उन लोगों का कैसे स्वागत किया बूढ़े व्यक्ति ने उसका कैसे स्वागत किया द ओल्ड मैन वॉज वेरी फ्रेंडली विद हिम उसने उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार किया ही फेड हिम फेड हिम का अर्थ उसने उसको भोजन भी खिलाया दे ऑल्सो प्लेड कार्ड्स टुगेदर कार्ड्स होते हैं ताश का खेल उन्होंने खेला ही ट्रस्टेड हिम एंड शोअर्ड हिम हिज मनी ही हैड अर्नड और वह इतना सीधा व्यक्ति था कि उसने उसके ऊपर जो है ये व्यक्ति जो फेरी वाला था उसके ऊपर बहुत भरोसा भरुश, किया ट्रस्ट किया और उसको अपने कमाए हुए पैसे भी दिखा दिए वाई द वोड वॉज कम्पेयर टू अ रेड ट्रैप अब देखिए ये होता क्या है कि ये तो चोरी करता होता है तो जब वो देखता है उस बूढ़े व्यक्ति के पास तो पैसा है और उसके आगे पीछे कोई नहीं तो वो उसके पैसे ले करके वहाँ से निकल लेता है और जंगल में चला जाता है अब जंगल इतना बड़ा होता है कि वो वहाँ पे फंस जाता है और उसको लगता है कि ये जंगल एक चूहे दानी की तरह है और मैं यहाँ पर फंस गया द रैट्रप सेलर एंटर्ड इन टू द वुड वुड का अर्थ है जंगल आफ्टर स्टीलिंग थर्टी क्रोनोर ऑफ द ओल्ड मैन क्रोनोर होती है बच्चों स्वीडन की करेंसी जैसे हमारे यहाँ पे रुपया चलता है वैसे ही स्वीडन में क्रोनोर चलता है बट द फॉरेस्ट वॉज वेरी बिग एंड ही गॉट कन्फ्यूज देयर जंगल बहुत बड़ा था और वो वहाँ कन्फ्यूज़ हो गया सो ही फेल्ट एज इफ ही वॉज कॉट इन अ रैड ट्रैप और इसलिए उसको लगा कि वह एक जंगल में उसमें चूहेदानी में फंस गया एंड द थर्टी क्रोनोर वॉज दी बेट और जो थर्टी क्रोनोर थे वो एक बेट थे यानी उसको लालच था उसका और इसीलिए वह उस लालच में फंस गया तो उम्मीद है आपको वीडियो से सहायता मिली होगी आपके प्रश्न उत्तर करने के लिए आप आसानी से ये प्रश्न उत्तर कर सकते हैं और आपको समझा भी दिया दिया गया है वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद